started with the allotropic forms of phosphorus and we have already studied about white phosphorus के बारे में पढ़ लिया है. Now we will study with the red phosphorus. हमने पढ़ा था कि phosphorus के three allotropic forms हैं, white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus. Now we will study the red phosphorus. ठीक है, white phosphorus का structure कैसा था? It were having P4 units present थे. अब रेड फॉस्फरस को कैसे बनाएंगे हम, अगर इसमें प्रेपरेशन देखूं कैसे बनाऊंगी मैं, तो मैं क्या करूंगी, आई विल टेक P4. कौन सा P4? आई विल टेक वाइट फॉस्फरस मैं लूंगी. वाइट फॉस्फरस को मैं हीट कर दूंगी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ एयर में हीट कर दूंगी. जो भी मेरे पास फॉस्फरस बनेगा वो कैसा फॉस्फरस बनेगा मेरे पास, आई विल गेट द रेड फॉस्फरस मिल जाएगा मुझे. ठीक है, हीटिंग वाइट फॉस्फरस इन एब्सेंस ऑफ एयर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेड फॉस्फरस. इसी रेड फॉस्फरस को अगर मैं बॉइल कर दूँ किसमें, इनर्ट एटमोसफेयर में. इनर्ट एटमोसफेयर है अगेन ऑक्सीजन की एब्सेंस में, अगर मैं इसको हीट कर दूँ तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, वाइट फॉस्फरस मिल जाएगा. तो दिस फॉरवर्ड मेथड इट इज़ द प्रेपरेशन ऑफ रेड फॉस्फरस. इज इट क्लियर? सो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूँ तो मैंने व्हाइट फॉस्फरस का स्ट्रक्चर क्या देखा था, ऐसा स्ट्रक्चर था, P4 यूनिट्स टेट्राहेड्रली अरेंज है. रेड फॉस्फर का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन कैसी चेन है, दीज आर द पॉलीमरिक चेन्स. व्हाइट फॉस्फरस का जैसा P4 यूनिट है, P4 यूनिट की ही कैसी चेन बन जाएगी, पॉलीमरिक चेन. जैसे आई हैव P P P P P लाइक दिस. नेक्स्ट फॉस्फरस का P4 का यूनिट ऐसे, एक और फॉस्फरस का P4 का यूनिट ऐसे. तो एक एक यूनिट तो क्या है, वाइट फॉस्फरस, इसके सारे बॉन्ड्स ऐसे है. अब एक बॉन्ड ऐसे होना चाहिए था बीच में बॉन्ड, लेकिन वो बॉन्ड क्या है, ब्रेक हो चुका है. और वो बॉन्ड किस किस के बीच में बन गया, इन एडसेंट फॉस्फरस फॉस्फरस के बीच में बन गया. ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ रेड फॉस्फरस का स्ट्रक्चर है. कैसा स्ट्रक्चर है ये, इट हैज़ अ पॉलीमेरिक चेन्स. और कैसा है, इट हैज़ अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, पॉलीमेरिक चेन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब क्या है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है आपके पास रेड फॉस्फरस की, इट इज़ वाइट. वो व्हाइट फॉस्फरस कैसा था, इट वॉज वैक्सी सॉलिड, लेकिन ये कैसा है, इट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड. जैसे नमक होता है, इट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड. व्हाइट फॉस्फरस की स्मेलिंग कैसी थी, गार्लिक, और इसकी कोई, देर इज़ नो ऑर्डर, कोई स्मेल नहीं है इसकी, देर इज़ नो ऑर्डर. व्हाइट की गार्लिक, रेड फॉस्फरस की देर इज़ नो. ये कैसा है, नो नॉट पॉइजनस, कोई पॉइजनस नहीं है. व्हाइट फॉस्फरस कैसा था, पॉइजनस, इट इज़ नॉट पॉइजनस. व्हाइट फॉस्फरस में क्या थी, फॉस्फोरोसेंस, तो यहाँ पे है देर इज़ नो फॉस्फोरोसेंस. फॉस्फोरोसेंस क्या होता है, जब ये ग्लो करता है लाइट में, लाइट इससे निकलती है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरोसेंस. इट डज़ नॉट शो एनी फॉस्फोरोसेंस. और अगर मैं इसको रिएक्टिविटी देखूँ तो इट इज़ लेस रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द व्हाइट फॉस्फरस. तो लेस रिएक्टिव है, तो ईजिली ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट नहीं होगा, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी. लेकिन अगर मैं इसको हीट करूँ तो मैं क्या कर सकूँ, P4 को अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करूँ तो रिएक्ट हो जाता है. कैसे, जब मैं कब कितना हीट करूँगी इसको, 292 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट कर दूँगी, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज़. व्हाइट फॉस्फरस वैसे ही विदाउट हीटिंग रिएक्ट करा था, लेकिन रेड फॉस्फरस को आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ P4O10. सेम व्हाइट फॉस्फरस भी P4O10 बना रहा था, रेड फॉस्फरस भी क्या बना रहा है, P4O10 बना रहा है. ठीक है, अब अगर मैं इसको हेलोजन से इसकी रिएक्टिविटी देखूँ तो आई हैव P4 मॉलिक्यूल. हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, या तो बना देगा ये PCl3, लेकिन अगर मैं क्लोरीन को एक्सेस में क्लोरीन ले लूँगी तो अगेन ये क्या बना देगा, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PCl5. ठीक है, सोडियम के साथ अगर मैं इसको रिएक्ट कर दूँ Na के साथ, तो अगेन क्या बना देगा ये, Na3P. क्या बोलेंगे इसको, सोडियम फॉस्फाइड्स. मैंने आपको पहले बताया था क्या बना देगा, सोडियम फॉस्फाइड बना देगा ये. ठीक है, अगेन एक और रिएक्शन है, अगर मैं इसको सल्फर के साथ रिएक्ट कर दूं तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ P2S3. वाइट फॉस्फरस की रिएक्शन से हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ फॉस्फाइड्स सल्फाइड्स बन रहे थे, यहाँ पे एक सल्फाइड बन रहा है SP2S3. याद है वाइट फॉस्फरस के केस में क्या था आपके पास, P4S3, और P4S3 कहाँ यूज हो रहा था, कहाँ पे यूज़ हो रहा था, मैच स्टिक बनाने में यूज़ हो रहा था. वो याद आई आपको, कैसी मैच स्टिक थी वो, स्ट्राइक एनी वियर मैच स्टिक्स बनाने में काम आ रहा था वाइट फॉस्फोरस का. ठीक है, अब क्या है, अगर मैं P4O को मैं हीट कर दूँ या मैं इसको बॉइल कर दूँ, कैसे,
इन इनर्ट एटमोसफियर में, इनर्ट एटमोसफियर मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि पी फोर रेड फॉस्फरस को ये कैसा है, इट इज़ रेड फॉस्फरस। अगर मैं इसको बॉयल कर दूँ इनर्ट एटमोसफियर में, अगेन कैसा बन जाएगा पी फोर, लेकिन ये वाला कौन सा बन जाएगा, इट विल बी व्हाइट फॉस्फरस की सिंथेसिस होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट रेड फॉस्फरस, ज़्यादा डिटेल नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ब्लैक फॉस्फरस। ब्लैक फॉस्फरस इट इज़ द थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फरस। ब्लैक फॉस्फरस एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, फर्दर दो फॉर्म्स में, अल्फा ब्लैक फॉस्फरस और एक है पास बीटा ब्लैक फॉस्फरस। ठीक है, अब मैं कैसे बनाऊंगी अल्फा ब्लैक फॉस्फरस और बीटा ब्लैक फॉस्फरस। मैंने फर्स्ट ले लिया रेड फॉस्फरस, एक ले लिया मैंने वाइट फॉस्फरस। रेड फॉस्फरस से बनता है अल्फा ब्लैक फॉस्फरस, वाइट फॉस्फरस से बनता है पास बीटा ब्लैक फॉस्फरस। रेड फॉस्फरस को अगर मैं 530 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करूं इन अ सील्ड ट्यूब, बंद ट्यूब में, सील ट्यूब में अगर मैं हीट करूं, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फा फॉस्फरस। इसको मैं अगर 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूं, लेकिन प्रेशर मैंने बहुत इंक्रीज़ कर दिया, कितना प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया, 4000 से 1200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मैंने इसका इंक्रीज़ कर दिया, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक फॉस्फरस। तो ब्लैक फॉस्फरस में अल्फा बीटा फॉर्म्स हैं, रेड फॉस्फरस से बनता है अल्फा फॉर्म, वाइट फॉस्फरस से बनता है बीटा फॉर्म, और ये है कंडीशंस कैसे बनते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लैक फॉस्फरस है इसका मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो कैसा स्ट्रक्चर है, जिगजैग स्ट्रक्चर ऐसे, और हर एक जिगजैग पे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फरस 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 फॉस्फरस, मतलब हर कोने पे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फरस। दूसरा कैसा जिगजैग होगा, फॉस्फरस 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 और फॉस्फरस, और हर एक फॉस्फरस आपस में, ये जो मैंने थोड़ा ठीक नहीं बनाया ये स्ट्रक्चर, अब इसको भूल जाओ, ऊपर वाले को नीचे वाला बनाती हूँ, क्या बन जाएगा, फॉस्फरस 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 और फॉस्फरस, इस टाइप का जिगजैग, ऊपर वाले को भूल जाओ अभी। ठीक है, नीचे वाला स्ट्रक्चर देखो, ये बना, और ये वाले जो है ये बॉन्ड्स कुछ कभी कभी यहाँ पे बीच बीच में क्या हो जाएंगे, अटैच। तो दिस इज़ द हाईली पॉलीमरिक फॉर्म, बहुत लंबा पॉलीमर बनाता है, और कैसा फॉर्म बनाता है, इन द जिगजैग फॉर्म में बनाता है, जिगजैग फॉर्म पॉलीमर फॉर्म में बनाता है, और इट इज़ अ पॉलीमरिक फॉर्म, और ये जो तो बॉन्ड एंगल है इट इज़ 99 डिग्री सेल्सियस, तो इट इज़ हाईली पॉलीमरिक फॉर्म। और एक और बात है कि जो ब्लैक फॉस्फरस है इट इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, व्हाइट फॉस्फरस था लीस्ट स्टेबल, ब्लैक फॉस्फरस इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फरस, एंड इट हैज़ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज़ ब्लैक लस्टर, ब्लैक है लेकिन चमकता है, ये लस्टर है इसमें, चमकीला ये, एंड इट इज़ मॉडरेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट इज़ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट इज़ मोस्ट स्टेबल। सबसे कम स्टेबल कौन है आपके पास, व्हाइट फॉस्फरस, उससे थोड़ा ज़्यादा रेड फॉस्फरस, सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है, ब्लैक फॉस्फरस। व्हाइट फॉस्फरस के सिर्फ सिंगल P4 यूनिट्स हैं, रेड फॉस्फरस के P4 यूनिट्स के अलग अलग बैच है, P4 आपस में कनेक्ट है। ब्लैक फॉस्फरस में सिर्फ फॉस्फरस एटम्स है, जिगजैग फॉर्म में प्रेजेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक फॉस्फरस। और एक और बात, जो व्हाइट फॉस्फरस था वो ऑक्सीजन से इजिली रिएक्ट कर जाता था, रेड फॉस्फरस को थोड़ा हीट करके ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे थे, और दोनों क्या बना रहे थे, P4O10। जो ब्लैक फॉस्फरस है P4, वो ऑक्सीजन के साथ इजिली रिएक्ट नहीं करता है, और रिएक्ट भी करेगा तो कब करेगा, जब हम 400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तब रिएक्ट करेगा, और इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ P4O10। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फरस एंड देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़।